सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स. इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. टुडे वी स्टडी अबाउट क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री. चार वीडियो देख चुके होंगे, वीडियो नंबर फोर तक देख चुके हैं, जिसमें यूनिट सेल के बारे में जो भी आपका सिलेबस में उतना अच्छा से बता दिए. क्लियर है? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जल्दी से और बना के दिखा देते हैं आपको. इन ए यूनिट सेल ए क्रिस्टल, इन ए क्रिस्टल का यूनिट सेल में फॉस्फोरस का एटम सेंटर में दिया हुआ है, क्लोरीन का एटम फेस में दिया हुआ है. फार्मूला लिखने आता है, पी का वन होगा कि नहीं होगा, सी एल का थ्री होगा कि नहीं होगा. फेस मतलब सी एल थ्री, मतलब थ्री हो गया. अब इसका क्या निकाल दीजिए, मोलिकुलर वेट निकाल दीजिए. पी का 30, सी एल का 105, 135. अब क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है, यूनिट सेल निकालना है. हैविंग वेट 10.5 ग्राम लिए हम लोग. एक और माध्यम डिफ्रेंस करें जल्दी से. कास कितना होता हम लोग के पास, 135 ग्राम होता. कौन, पी सी एल थ्री. तो वेट कितना, यूनिट से कितना होता है, 6×10^1 का क्या होगा, 6×10^23/135. 10.5 में कितना मैथ्स है जी, इसके आगे मैथ्स है. 10.5 क्लियर है, ऐसा कुछ भी दे सकता है. क्लियर है? अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा 63 135 10^23 डिवाइड करेंगे 0.4 10^23 यूनिट सेल. क्लियर है? फाइंड द वेट ऑफ 3×10^24 यूनिट सेल इन विच सल्फर इज बॉडी सेंटर्ड. बोलिए फार्मूला क्या होगा सल्फर का, S32 है कि नहीं, सॉरी S2 क्यों, BCC है, मतलब समझे, BCC मतलब सेंटर में भी वही है और बॉडी में कब सेंटर में भी वही है और कॉर्नर में भी वही है. तो फार्मूला क्या है S2, आप तो बता भी नहीं सकते कैसे. पहला दूसरा वीडियो देखेंगे आराम से जान जाएंगे. मोलिकुलर वेट कितना होगा, 64. हमको क्या निकालना है, वेट 6×10^23 यूनिट सेल का वेट 64 ग्राम होगा. 1 का 64 बाय 6×10^23 इंटू कितना होगा और कितना में निकालना है, 3×10^24 में, 3×10^24 कट जाएगा 2 से, 32 इंटू क्या होगा 10, 320 ग्राम. इतना लोग पढ़ चुके थे, नोट कर लीजिए. तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे, इसी में यूनिट सेल के बारे में सब कुछ बता दिया, हम लोग कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं. तो चलिए नेक्स्ट है, डेराइव करने भी एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स मिल सकता है, न्यूमेरिकल भी आता है. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या एक ही बात है, डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल. जो यूनिट सेल का डेंसिटी है वही ना क्रिस्टल का डेंसिटी होगा, है कि नहीं. डेंसिटी मतलब कितना घनत्व है. डेंसिटी का एकदम बेसिक फार्मूला क्या होता है जी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम. तो हमको निकालना है यूनिट सेल का, तो मास ऑफ वन यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ वन, मतलब यहाँ तक हमको पहुँच जाना है. ये बेसिक फार्मूला तक पहुँच जाना है हम लोग को. डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ वन यूनिट सेल बाय वॉल्यूम, जो भी है. तो कैसे करेंगे, कोई यूनिट सेल ले लिए, हम तो क्यूबिकल ही पढ़ना है, तो क्यूबिकल ही ड्रॉ करना है. सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, एक क्यूबिकल यूनिट सेल है जिसका लेंथ ऑफ साइड क्या है, ए. ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल. क्लियर है? क्यूबिकल यूनिट सेल लिए हम लोग. डेंसिटी है, एटम्स भरे हुए हैं, डिपेंड करता है किस तरह का है. जैसे हम मान लीजिए ये जो भरा हुआ है, ये बेसिक का कुछ भी हो सकता है ना, फेस में होगा तो यहाँ भी ड्रॉ है, चाहे जो भी है. यूनिट सेल बना हुआ है क्यूबिकल, ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, और आपको डेंसिटी निकालना है. इसके अंदर एटम भरे हुए हैं, इसके अंदर एटम भरे हुए हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल है ये. तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे पहले समझिए, फिर हम दोबारा बताएंगे आपको. पहले समझिए, लेटेस्ट टेक ए क्यूबिकल
यूनिट सेल, ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्या है यूनिट सेल, ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले वॉल्यूम तो पता चल गया हम लोग को, वॉल्यूम इक्वल मालूम सबको पता है ए क्यूब होता है, ये वाला चीज़ पता चल गया, क्लियर है। मान लीजिए कि अब फेस है कि क्या है, तो एन इज द नंबर ऑफ एटम्स, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, एटम का संख्या एन है इन ए यूनिट सेल, क्लियर है, बात समझ आ रहा है। एन इज द नंबर हो सकता है क्या, एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर बेसिक रहेगा तो सब मिला के वन होगा, कैसे होगा वीडियो टू दे में देखे होंगे, एन का वैल्यू अगर एफसीसी होगा तो फोर होगा, है कि नहीं, चार गो एटम होगा कि नहीं होगा, एन का वैल्यू अगर ईसीसी भी होगा तो भी फोर होगा, एन का वैल्यू बीसीसी होगा तो भी टू होगा, यही आंसर वन टू या फोर होगा, है कि नहीं, वन या टू या फोर होगा, एन इज द बेसिक यूनिट सेल तो एन का वैल्यू वन होगा, क्लियर है। तो एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला एक्स एन लिख दे, एक्स एन जो भी एटम रहेगा एक्स एन लिख दे रहे, बी सी सी है एफ सी सी है चाहे जो भी है, बी सी सी है एफ सी सी है चाहे जो भी है, हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स एन लिख देंगे। लेट ए इज द एटॉमिक वेट ऑफ एटम, एटम जो भी है फॉस्फोरस सब कुछ भी रहेगा, ए इज द एटॉमिक वेट ऑफ एटम इन व्हाट यूनिट सेल, समझ रहा कि नहीं, क्या क्या डिटेल लिख रहे हैं, तो बताइए इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इक्वल लिख दे ए इंटू एन, ए एटॉमिक वेट है और एन इज द नंबर ऑफ एटम्स, ए इंटू एन, ए इज द एटॉमिक वेट ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मोलिकुलर वेट एम इज इक्वल टू ए इंटू एन, वेर ए इज द एटॉमिक वेट एंड एन इज द नंबर ऑफ, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, एम इज इक्वल टू ए इंटू एन, एम इज इक्वल टू ए इंटू, समझ आ रहा क्या निकाल दी, मोलिकुलर वेट निकाल दी जो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं, सुनिए अंजलि, एम इज इक्वल टू ए इंटू एन, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, एवोगैड्रो नंबर क्या लिखेंगे, कि काश मोलिकुलर वेट निकाल दिए, एम ग्राम होता है कि नहीं, उल्टा लिख रहे हैं, हमको निकालना क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, काश 6 इंटू 10 का पावर 23 यूनिट सेल होता, 6 इंटू 10 का पावर 23 यूनिट सेल होता काश, कितना अच्छा, सीधे क्या बोलते हैं, एम ग्राम नहीं बोलते हैं, पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो देखे होंगे, तो अगर इतना यूनिट सेल होता तो एम ग्राम बोल देते हैं, वेयर एम इज द, एम इज द मॉलिकुलर वेट, और कैसे निकलेगा, ए इंटू एन, समझ रहा कि नहीं, ईमान से देख रहा है, ए इज द एटॉमिक वेट, एन इज द नंबर ऑफ एटम, जैसे नहीं लिखे सल्फर इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो फार्मूला क्या हो गया, एस टू, यहाँ पे ये एस टू हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, एन इसका एन कितना, टू को मल्टीप्लाई करते कितना, 32 से, वही चीज़ लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखा हुआ है, और इतना एटम होता यूनिट सेल होता तो एम ग्राम होता, वन यूनिट सेल होता तो कितना वेट या मास होता, बोलिए एम बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम, एम बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम होता, यानी क्या निकल गया, मास ऑफ वन यूनिट सेल एम बाई 6 इंटू 10 का पावर 23, अंडरस्टूड ऑर नॉट, एम बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 इतना होता मास निकल गया, या वेट बोलिए एक ही बात है, कोई डाउट है, इसलिए क्या होगा, डी इज क्या है, डेंसिटी, पढ़ते आ रहे हैं 8 क्लास से, डेंसिटी क्या है, रेशियो है मास और वॉल्यूम का, वेट और वॉल्यूम का, मास ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, बोलिए क्या होगा, डेंसिटी, मास ऑफ यूनिट सेल क्या निकाले, एम बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 बाई वॉल्यूम कितना निकाले हम लोग, ए क्यूब, फार्मूला बन गया, एम को लिख सकते हैं क्या, ए इंटू एन, वेयर ए इज द एटॉमिक नंबर, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, एंड 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू क्या हो जाएगा, ए क्यूब, तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं डेंसिटी, फिर से देखिए लेटेस्ट एक यूनिट सेल क्यूबिकल होता है इसलिए वॉल्यूम इसका ए क्यूब होगा,
उसके बाद हम लोग क्या बताएं कि एन इज द नंबर ऑफ एटम, कोई कितना आइटम तो हो भी करेगा, एक यूनिट सेल में कितना आइटम होता है वो तो फिक्स है, या तो वन होगा या तो फोर होगा या तो टू होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर बेसिक्स है कॉर्नर में है एन का वैल्यू वन, फेस सेंटर है तो एन का वैल्यू फोर, एज सेंटर है तो एन का वैल्यू फोर, बॉडी सेंटर है तो एन का वैल्यू टू। फॉर्मूला क्या होगा एक्स एन, एग्जाम में डिराइव करें 3 मार्क्स मिलता है आप लोग को, न्यूमेरिकल भी आता है इससे। ए इज द एटॉमिक वेट ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा एम इक्वल टू ए इंटू एन, अगर इतना होता तो एम ग्राम होता, ऑलरेडी कितना पिछला वीडियो में 10 बार लिख चुके हैं हम लोग, इतना होता ग्राम के साथ तो अपना मॉलिक्यूलर वेट लेता है, तो 1 रहेगा यूनिट सेल तो उसका वेट कितना होगा एम बाय 6 इंटू 10 का पावर 23। और अगर मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकालने पर तो यही आंसर हो गया, इसको भी आंसर कर सकते हैं, मास ऑफ 1 यूनिट सेल इतना होता है एम बाय 6 इंटू 10 का पावर 23, वेर एम क्या है ए इंटू एन, वेर ए क्या है एटॉमिक वेट, एन क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, डी इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डी का वैल्यू क्या होगा मास बाय वॉल्यूम, मास एम बाय वॉल्यूम 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू ए क्यूब, ये मास का वैल्यू है और एम का वैल्यू क्या है ए इंटू एन, नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूला बन गया डेंसिटी इज इक्वल टू ए इंटू एन बाय 6 इंटू 10 का पावर 23, इसके अंदर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई ए क्यूब भी है, ए क्या है लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तब यूज होगा ना जब अलग अलग दिया हो, जैसे कब एस इज एट कॉर्नर, ऑक्सीजन इज एट फेस, है कि नहीं, तब ये वाला यूज नहीं होगा। ये कब यूज होगा जब आपको सल्फर इज बॉडी सेंटर टाइप का क्वेश्चन देगा तब यूज होगा ये, और अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है तो सीधे एम बाई लिखिएगा, एम बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू क्या होगा ये वाला, क्योंकि इसका सीधे मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, है कि नहीं, इसका सीधे मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ये वाला कब यूज करेंगे जब अलग अलग डिस्क्राइब कर देगा सल्फर कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, बॉडी सेंटर कहाँ है, तब हम लोग ये वाला यूज करेंगे, क्वेश्चन पता चल जाएगा आपको, क्लियर है। अब ध्यान से एक क्वेश्चन बना के दिखाते, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, हाँ इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी पता है तो ए क्यूब मतलब वॉल्यूम निकालने आया ना, वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी पता है तो क्या करेंगे ए इंटू एन बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 बाई क्या होगा डी, वॉल्यूम निकालने आ गया तो यही आंसर होगा, बोलेगा लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, ए निकालने आ गया भुजा का लंबाई तो क्या होगा क्यूब रूट, क्या होगा ए इंटू एन बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 बाई डी, और क्या करेंगे क्यूब रूट, इसी से निकाल सकते क्यूब रूट ए इंटू एन बाई 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू डी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल निकल गया, इसी से निकल जाता है, याद निकल इसी को याद रखिए, बाकी जो बोलेगा उस सब करेंगे, एक बार नोट कर लीजिए, हम यूज करके दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन देखिए, केवल कैलकुलेशन का देखिए ध्यान से, इन ए यूनिट सेल अन एलिमेंट एक्स दे दिया, नाम भी दे सकता नहीं भी दे सकता है, अन एलिमेंट एक्स इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हुज लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर, बहुत छोटा होता है पिकोमीटर, बहुत छोटा होता है, वे हुज लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर, फाइंड डेंसिटी इफ एटॉमिक वेट इज 60। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक यूनिट सेल क्यूबिकल ही होता है कि नहीं, हमको क्या निकालना है डेंसिटी निकालना है, सबसे पहले बताइए एलिमेंट क्या दिया हुआ है एक्स, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं या मेंशन भी क्या होता है, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका एक्स का क्या होगा टू होगा नहीं होगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल है एन का वैल्यू क्या है टू, है कि नहीं, एम निकाल दीजिए ए इंटू क्या से एन से, ए मतलब क्या एटॉमिक वेट दिया कितना 60 और एन क्या दिया 2 तो हो गया 120, पहले ही 120 लिख लीजिए, फिर लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल क्या दिया 200 पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, ये तो नहीं मिलेगा नंबर एक एग्जाम में गलती हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सॉरी माइनस 10 से कीजिएगा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा जी, माइनस 12 से कीजिएगा मीटर में चेंज हो जाएगा जी, हमको सेंटीमीटर में चेंज करना याद कर लिए, पिकोमीटर 10 का पावर माइनस 10 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, दो को जीरो ले लिए से,
लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब, है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम निकल जाएगा 2 का पावर 3 8 होगा, और 10 का पावर 8 3 24 होगा माइनस में, ये निकल गया ए क्यूब। इसलिए डेंसिटी क्या होता है, एम बाई 6 × 10 का पावर 23 इंटू क्या होगा, फार्मूला निकल आता ना, फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज ये बताए हैं बाई क्या था ए क्यूब। बस सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर, डेंसिटी निकल जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए मा एम 120, एम इच 120, 6 × 10 का पावर 23 ए क्यूब 8 × 10 का पावर -24। सॉरी कि नहीं, पहले ही सब कैलकुलेट कर दीजिए, हो गया सॉल्व करने में इजी हो गया, 15 बच गया, 2 से 2.5 10 का पावर माइनस 1 बचा नीचे में, समझे कि नहीं, 23 में 24 के माइनस 1 तो क्या हो गया 2.5 × 10 का पावर 1 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे बना सकते हैं। एक और देखिए, वन मोर क्वेश्चन, इन ए यूनिट सेल फॉस्फोरस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हुज लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 300 पिकोमीटर, डेंसिटी कितना होगा, एटॉमिक वेट दिया हुआ 30। देखिए एलिमेंट का नाम दे दिया फॉस्फोरस, क्लियर है, क्या देख दिया है फेस सेंटर, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 4, फार्मूला क्या हो गया P4, ए इंटू एन निकालेंगे 30 × 4 120, संयोग से फिर आ गया 120। क्लियर है, अब क्या निकालेंगे, ए लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है 300 पिकोमीटर, 300 3 और क्या कर देंगे 27, 10 का पावर 3 का क्यूब। क्लियर है, डेंसिटी एम बाई 6 × 10 का पावर 23 बाई ए क्यूब, तो बोलिए क्या होगा 120 बाई 6 × 10 का पावर 23 इंटू कितना होगा 27 × 10 का पावर -20। डाटा इस तरह फिक्स रहता है कि नहीं, बस जानना चाहिए, आराम से बनता है एग्जाम में। बोलिए क्या होगा, कट जाएगा 20 से 20 बाई 27 10 का पावर -1, ऊपर गया 200 कर दें इसको, 10 का पावर -1 + 1 हो गया 200 बाई 27। क्लियर है, ऑलमोस्ट आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना जी 8 पॉइंट, डिवाइड कीजिए नहीं 7 पॉइंट समझ गया, 7.4 डिवाइड कर लीजिए अपने से, वन मोर क्वेश्चन, इन ए यूनिट सेल सोडियम एटम्स आर एट कॉर्नर एंड क्लोरीन एटम्स आर एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल, फाइंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल If length of side of unit cell is 250 picometer, PM मतलब picometer जी, CM मतलब centimeter जी, क्लियर है, और सोडियम का एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का 88 35, कॉन्सेप्ट बताया, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। बोलिए क्या क्या दिया हुआ है, एक यूनिट सेल में सोडियम के बारे में लिखा हुआ है कि वो कॉर्नर में है, क्लोरीन का एटम सेंटर में है, ये भी वन, फार्मूला हो गया NaCl, एम मोलिकुलर वेट निकाल दीजिए, एम निकाल दीजिए, अब अलग अलग है कि नहीं, 23 होता है, Cl 35 होता है 58। क्लियर है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल क्या दिया 250 पिकोमीटर, 250 × 10 का पावर -10 सेंटीमीटर, 2.5 × 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड, पॉइंट ले लिए, दो को 2.5 कर लिए, a का क्यूब पहले ही कर लीजिए 2.5 10 का पावर माइनस 8 का क्यूब, 2.5 को तो याद है 15.625 10 का पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम भी निकल गया, हम मल्टीप्लाई कर लिए 2.5 तीन बार कर लिए हैं, 15.625 होता है,
तो क्या होगा इसका बताइए, सॉरी क्या होगा इसका डेंसिटी, एम बाई सिक्स इंटू, देख रहे हैं अलग अलग था, सीधे एम लिखिएगा, उसमें ए इंटू एम लिख रहे थे, क्या बात था, वो भी एम था, बाई 23 इंटू क्या हो जाएगा ए क्यूब, एम कितना है इसमें, एम कितना है 58 है कि नहीं, 6 इंटू 10 का पावर 23 है कि नहीं, ए क्यूब कितना है, ए क्यूब कहाँ गया जी, यहाँ 15.625 10 का पावर माइनस 24, क्लियर है, समझ रहा है कि नहीं, 29 बाई 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 46 पॉइंट, ठीक है, टेन का पावर 23 नीचे में ऊपर वन गया, एकदम इसी ऑर्डर में 290 बाई, ठीक है जी, गलती की है, कहाँ पे ये वाला, हम नहीं जान रहे हैं, पूछे थे बस ये वाला 3 × 8 कितना है, 46.875 इसको डिवाइड करें 220 से, जल्दी कर दीजिए 6.18। अंडरस्टूड, डेंसिटी का बता दिए, एक क्लास और देंगे जिसमें और भी कुछ क्वेश्चन पूछे बताएंगे, फिर बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के हिसाब से कैसे उनका हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, बताया जाएगा इन नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।